आता है इस देश के अंदर, और जिन लोगों की शहादत उस दिन हुई है 13 बच्चों की, समाज उनके प्रति पूरा ऋणी है, उनके परिवार के प्रति ऋणी है। और जो 13 जनवरी का कार्यक्रम है जो आप लोग कर रहे हैं, जो समाज कर रहा है, ये छोटी सी श्रद्धांजलि है उन 13 परिवारों को समाज की तरफ से। और मैं जनता से अपील करूँगा, अपने समाज के लोगों से, 13 तारीख को रामलीला मैदान जरूर पहुँचे। आज देश की स्थिति बहुत नाजुक है, उसी हालात में आप सब लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। जो 2 अप्रैल को स्थिति हुई थी, उसी स्थिति में हमारे बच्चे जो है काफ़ी इंजोर्ड हुए, पुलिस ने पकड़ा, बेरहमी से उनको पीटा गया, सब कुछ किया गया, अभी भी लोग थाने में बंद हैं, कई लोग मरे हैं। तो उनकी जो है उनके परिवारों को सबको बुलाया जा रहा है और उनको मान सम्मान दिया जाएगा, उनके उनकी जो है स्टैचू उन सबको जो दी जाएगी। तो इसलिए हमारा जो है ये सौभाग्य है कि आप लोग आए और ऐसा कार्यक्रम किया जिससे कि हम जो है बच्चों को और जो है ऊपर बढ़ा सकें, उनको जो है कुछ दे सकें। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अम्बेडकर भवन, आप सब लोगों से कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ और अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर जो इसमें हिस्सा लें और अच्छा जो कार्यक्रम को सफल बनाएं। सभी जनता से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में सब लोग आए। मैं प्रदीप कुमार, मुख्य सलाहकार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पंजाब से, मैं ये जो 2 अप्रैल को हमारे समाज ने कुर्बानियां दी थी और शहीद हुए थे, उनके प्रति पहले तो मैं हृदय से नमन करता हूं और उनके परिवारों को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को इस हवन में आहुति के लिए भेजा, परंतु उन्होंने अपनी जानों की आहुति दी। पंजाब से, फगवाड़ा से 2 लड़के हमारे समाज के शहीद हुए, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं और उस परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों को अपने चरणों में निवास दें। और ये जो कमेटी इस समय स्टैचू बनाकर, इन लोगों के जो शहीदों के स्टैचू बनाकर इनके परिवारों को समर्पित कर रही है, उनको मान सम्मान दे रही है, पूरे समाज में मान सम्मान दे रही है, आने वाले समय में दूसरे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आगे भी कोई ऐसी समस्या होगी तो हम सभी मिलजुल कर इस समस्या को ऐसे ही बहादुरी के साथ, निडरता के साथ निपटाएंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हमारे समाज को ऐसे ही वीरों की आवश्यकता है। मैं धर्मवीर भवलिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का दिल्ली प्रदेश का महामंत्री हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुजन समाज महासभा ये 13 जनवरी को एक कार्यक्रम करना चाह रही हैं, जो 2 अप्रैल को हमारे समाज के जो बच्चे शहीद हुए थे उनको स्टैचू उनके परिवार को समर्पित करना जा रही है। मैं इस आपसे सबसे निवेदन करता और आग्रह करूंगा इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर और इस संस्था का, हमारे बहुजन समाज महासभा का साथ दें। धन्यवाद। आंदोलन में कोई अगर जरूरत पड़ती है तो पीछे ना हो, हमारे समाज के लोग ये ना कहें तो इतने बच्चे शहीद हो गए क्या समाज ने दिया। उन सब बातों पर विचार करते हुए श्रद्धेय बालक राम मोदी, यादव जी, शशि भूषण जी, संजय माथुर जी, मेरे सभी साथियों को मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से जो होने वाला है उससे, कि मेरे जितने भी सम्मानित साथी हैं सभी भाई आएँ, क्योंकि ये एक बहुजन का एक महाकुंभ सम्मेलन है जिसमें आप सब लोग आएँ, भागीदारी लें। जो भाई अगर किसी कारण से रह जाता है तो ये समझना कि वो इस प्रोग्राम में ना आने के कारण एक मतलब कि बहुत बड़ा उन्होंने
मौका छोड़ दिया है हाथ से एक सम्मेलन दिखाने का, एक पूरी ताकत दिखानी है। आप भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है कि जरूर पहुंचें, मैं भी आऊँगा और मेरे साथ जितने भी साथी हैं सभी आएंगे। आप लोग अलग अलग संगठनों में अलग अलग जगह बैठते होंगे, पार्टियों में जाते होंगे, पर ये समाज के लिए है, इसके लिए आपको जरूर आना पड़ेगा। समय स्थान हमारा है दिल्ली में रामलीला मैदान, सुबह 10 बजे प्रोग्राम स्टार्ट है। आप लोग सभी पहुँचें टाइम से और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि 2 अप्रैल 2018 को एक बहुत बड़ा आंदोलन इस बात के लिए बिना किसी संगठन के, बिना किसी व्यक्ति के आह्वान के, कि जो हमारे अधिकारों पर कुठाराघात कर रहा था उसके विपरीत यहाँ पर एक आंदोलन हुआ और उसे सारे भारत को ये दर्शा दिया कि हमारे अगर सर्व कास्ट के लोगों के अधिकारों को जो बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान में निहित है उनको अगर किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो ये बाबा साहब का बहुजन समाज उसका हर तरह से माकूल जवाब देने के लिए हरदम तैयार रहेगा। और उसका उदाहरण 2 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने दिया, हमारे साथियों ने जो जगह जगह से आंदोलन की खबरें आ रही थी, जैसे अभी हमारे डिटेल में हमारे साथियों ने बता दिया है, उसमें हमारे जो साथी हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी प्रतिमाएं का एक वितरण जो उनकी बनाई गई है उनका करने जा रहे हैं, उसके लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ उस भाष जो सम्मेलन हो रहा है समापन है उसमें अधिक से अधिक पहुँच रहे हैं। दिल्ली की तैयारी है, हमें फिर साथियों शायद मुझे उम्मीद तो ऐसी है कि भले ही दिल्ली की तैयारी ना हो तो यूपी तो फिर हमारी होगी, इस समय निश्चित रूप से आएगा फिर आपको ये कहेंगे खासकर फिर यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की तो बात की बात होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा 2 अप्रैल 2018 की घटना बहुत ऐतिहासिक घटना है, हिला देने वाली घटना है, भूलने वाली घटना नहीं है। और जो व्यक्ति जितनी भैया ने बात कही थी जिस रूप में समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बातों के माध्यम से नौजवानों तक बुजुर्गों तक बच्चों तक जैसे भी जिस रूप में जो इसमें सहयोग कर पाए, ये एक पता नहीं ये आंदोलन हमारा कब तक चले। जब तक हमारे अभी ये 13 हमारे जो शहीद हुए हैं, कितने हमारे अब भी जेलों में हैं, कितने हमारे उस समय इन्होंने जेलें ऐसे भर दी थी जहाँ जहाँ देखिए ऐसा कुछ शहर। हमारे जो बड़े भाई हैं बहुत अच्छा विषय चुना है और जितने भी हमारे भीम सैनिकों ने जो विषय चुना है 13 तारीख का जो विषय चुना है बहुत अच्छा विषय है और हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और गाँव में जाके जो 13 तारीख के बारे में जानकारी दे। उधर बहन जी ने भी प्रस्ताव रखा है जो सरकार ने माना है उस पर काम चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पहल हुई है। तो मैं तो सभी लोगों से ये कहता हूँ तन मन धन और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने की कृपा करें ताकि हमारे समाज का हमारे देश का और आने वाली जो ऐसी घटनाएं हैं उनमें हम लोगों का मनोबल ना टूटे। हिम्मत से 13 तारीख में हमें वहाँ जाना है, इसलिए मैं अपनी ज़्यादा बात न कह कर सभी लोगों से फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई जो हमारे जो 2 अप्रैल 2018 में जो हमारे 13 भाई शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे भाई साहब ने जो कार्यक्रम करा है दिल्ली में, दिल्ली रामलीला मैदान में, हम लोगों को इनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना चाहिए और हर चीज़ से सहयोग देना चाहिए। साथ तो रहना ही रहना है भाइयों, चाहे कुछ हो या ना हो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जय भीम नमो बुद्ध। भाई और डॉक्टर बाबा भीमराव जी और सभी भाइयों और छोटे बच्चों को नमन करते हुए मैं कहती हूँ जो 2 अप्रैल के SC और ST एक्ट में आंदोलन हुआ था वो सभी को याद रखने वाली बात है और जो भाई हमारे शहीद हुए उनके आखिरी दर्शन के लिए 13 जनवरी को दिल्ली में महिलाओं को भी बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए क्योंकि भाई तो हमेशा आगे रहते ही हैं, महिलाओं को भी पीछे नहीं रहना चाहिए और ऐसी जगह जाने के लिए उत्सुक हो करके
और महिलाओं को जागरूक भी करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए ताकि 2 अप्रैल का दिन आने वाले समय में याद रहे। जय भीम। जय तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और जितने भी हमारे महापुरुष समाज की चेतना को आगे बढ़ाने में, समाज को कुछ योगदान देने में आगे रहे, उनको सबको नमन करते हुए बाहर से मेरे आए साथियों को व उपस्थित नौजवानों को, बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ उन साथियों को जिन्होंने हमारी आरक्षण नीति को ख़त्म करने के पहले जो एक प्रोग्राम किया था कि जो इनका जो SC ST एक्ट है पहले उसे ख़त्म किया जाए, उस पर जो हमारे नौजवान साथी शहीद हो गए वो शहीद देश की आज़ादी से लड़ाई से भी पड़े, उनको सम्मान देना चाहिए। सरकार को हिलाने के लिए वह जनसंख्या चाहिए। हम सारी बातों को छोड़ करके हमें प्रण लेना है कि जितने भी लोग यहाँ हैं 99% लोग वहाँ जाएँ, हम साथी मिल करके ये प्रयास करें कि हमें बस ले चलनी है, अपने वाहन से चलना है। पैसा धेला ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, जो निकम्मी सरकार बैठी हुई है, जो धीरे धीरे मनुस्मृति लाना चाहती है, उसको दिखाने के लिए भीड़ का रामलीला ग्राउंड 13 जनवरी को होना बहुत ज़रूरी है। नहीं मित्रों, वो दिन दूर नहीं है। हम तो 60 साल पूरे कर गए हैं। ये जो नौजवान पीढ़ी बैठी है आज नीले पीले कपड़े पहने हुए, ये कपड़े जो पहने हैं ये सब बाबा साहब की देन है, उस संविधान की देन है जिसको बाबा साहब रचित कर गए थे। उस संविधान को बचाने के लिए, अपने शहीदों को सही सम्मान दिलाने के लिए 13 जनवरी को हम बहुत लोग संख्या में पहुँचे, और मैं वादा करता हूँ, मैं प्रयास करूँगा अपने साथियों को मिलकर एक बस आर्यनगर से हम दिल्ली जरूर ले जाएंगे। सभी जो हमारे नौजवान 13 शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने समाज के लोगों को जाकर के सरकार को दिखा दिया कि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो हम या तो राजी से या गैर राजी से आंदोलन से छीन लेंगे। तो यही 13 जनवरी को दिल्ली में ज़रूर पहुंचना है, जो सरकार को फिर भी दिखे कि हाँ, अगर हम ये बाबा साहब के अधिकार इन लोगों से छीन लेंगे तो ये, अब तो ये 2 अप्रैल का था, जाने और कितने आंदोलन खड़े कर देंगे। और ख़ासकर बच्चों से मैं कह रहा हूँ, अपने बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात सुन रहे हो ना? अब अपने घर जाके मम्मी पापा भाई बहन जो बड़े हैं उनसे पूछना कि 2 अप्रैल में हुआ क्या था, जो आज मीटिंग हो रही है, मीटिंग क्यों हो रही थी, ठीक है? वो पूछना है आपको जरूर कि अब 13 जनवरी को जो प्रोग्राम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है? मैं इसी बात को अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम। नौ भारत में जन्मे महामानव वीरांगनाओं को मेरा नमन, और आप सभी भाइयों को जय भीम नमो बधाए। 2 अप्रैल 2018 भारत बंद में जो भी हमारे 13 शहीद भाई हुए हैं उनकी मूर्तियों का अनावरण करा जा रहा है, और दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी एकजुटता दिखानी है, और इन्हें दर्शाना है कि हमारा समाज किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, और अपनी एकता दिखानी है। और सभी से निवेदन है कि एक दिन का समय ज़रूर निकालें, क्योंकि हमारे भाइयों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उनके जीवन की कुर्बानी बेजाया नहीं जाए। लोगों को पता चले कि बहुजन समाज में जन्मे 13 वो लोग, उन्होंने अपना जीवन बलिदान इस समाज के लिए कर दिया। ज़्यादा कुछ न कहते हुए जय भीम नमो बुद्धाय। उन 13 दलित सेनानियों को हमें श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए भारत के इतिहास को नए सिरे से लिखने का काम करेंगे। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज नहीं तो कल रंग देंगे संसद की दीवारों को। महाकारुणिक तथागत बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सभी बहुजन महापुरुषों को वंदन करती हूँ। और जो 2 अप्रैल को आंदोलन में शहीद हुए अपने उन वीर सपूतों को भी मैं वंदन करती हूँ कि वो 13 लोग, जो 13 बच्चे, वो शहीद तो हो गए, लेकिन आपको एक दलित आंदोलन की एक चिंगारी वो दे करके गए। वो चिंगारी को हमें सफल बनाना है कि हमें उन मनुवाद को, उस ब्राह्मणवाद को ये ताकत दिखा देनी है कि 2 अप्रैल से ज़्यादा हम और भी कुछ कर सकते हैं।
दो अप्रैल तो सिर्फ हमारा वो क्या बोलते हैं, हाँ तो वो था, लेकिन हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, मनुवादी बाज नहीं आए, तो ये युवा पीढ़ी और ये पूरे बहुजन समाज आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो जो 13 जनवरी को कार्यक्रम किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है कि जिन माँ के बहनों के वो वीर सपूत जो गए हैं, कि आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे कि ये दलित आंदोलनकारी थे। जो शहीद हुए हैं उनका मान सम्मान ये आने वाली पीढ़ी भी रखेगी, और उनके माता पिता को ये नहीं लगे कि नहीं अरे मेरा बच्चा तो ऐसे ही चला गया। नहीं, जो प्रतिमाएं उनके गांव में स्थापित करी जा रही हैं, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि उन प्रतिमाओं पर हर वर्ष मेले जैसे मेला लगा करेगा, जैसे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, उन वीर सपूतों की जो प्रतिमाएं लगेंगी उन पर भी हमेशा मेले लगा करेंगे। 2 अप्रैल का दिन एक ऐसा दिन होगा। तो मैं ये अपील करती हूँ, वैसे मेरा मोहल्ला बहुत क्रांतिकारी है, मेरा शहर बहुत क्रांतिकारी है, लेकिन एक बात और मैं बता दूँ भाइयों, अगर हम ऐसे आंदोलन से मनुवादियों से डर गए तो आप जीते जी मर जाओगे। देश और दुनिया के अंदर अगर हमारे बच्चे लोग अगर जेलों में गए तो महिलाओं ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई, मैं आपको ये बात बता दूं। आप ये निराशा ना फैलाएं कि हमने जयंती नहीं मनाई, सिर्फ पिलखे में जयंती नहीं मनाई गई, चाहे जयंती छोटे स्तर से ही मनाई गई, हर जगह जयंती का आयोजन किया गया, लेकिन सिर्फ अंतर ये था कि पुरुष नहीं थे आगे, महिलाएं आगे थी कि अब हमारे सीने पर चलाओ तुम गोलियां, हम मनाएंगे बाबा साहब। तो इसलिए इसमें निराशा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आंदोलन लेकर चल रहे हैं, जैसे बालकराम बौद्ध जी आंदोलन लेकर चल रहे हैं, शशि भूषण जी यहाँ पाए, तो उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए ही हमें 13 जनवरी को इकट्ठा होकर के जाना है और अपनी ताकत को वहाँ पे दिखाना है कि ये बहुजन समाज किसी से पीछे नहीं है। हाथ पर हाथ ना बैठो, उठो बड़ो, कुछ काम करो, हे अम्बेडकरवादी नौजवानों, धिक्कार है यदि विश्राम करो। श्रद्धेय संजीव बौद्ध जी, की ये समाज वो समाज है, बाबा साहब ने इसको वो दिशा वो क्रांति ज्योति दे दी है, वो मशाल थमा दी है कि अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सवाल है कि इसकी गति बनी रहे और इसकी गति को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि हम इस देश को लोकतांत्रिक तभी बना सकते हैं जब हम अपने जीवन में लोकतंत्र को जगह देंगे। इसका मतलब था कि इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को, जो कि तथागत बुद्ध से प्रेरित हैं, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, वो इस दुनिया को सबसे पहले किसने सिखाया? तथागत बुद्ध ने। उन परंपराओं को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार लें। और लोकतंत्र की पहली निशानी होता है कि अपने समय के जिंदा सवालों का जिंदा जवाब देना। हमारे वक्त का जिंदा सवाल है कि इस देश का बहुजन कब स्वतंत्र समानता पूर्ण जीवन का अधिकारी बनेगा। ये जद्दोजहद आज भी जारी है, ये खत्म नहीं हुई है। जिसे हम देश की आज़ादी कहते हैं, उसके 70 साल बाद भी हमारे देश के नौजवान जब अपने संवैधानिक हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं, जो कि उनका संवैधानिक हक है, अधिकार है, तो इस देश की मनुवादी सरकार, पूंजीपतियों की सरकार उन पर लाठी गंडा गोली बरसाती है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, उस सरकार को समर्थन देने वाले हिंदू आतंकवादी, यही शब्द है उनके लिए, हमारे नौजवानों पे गोलियां बरसाते हैं। और ये पहली घटना नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि इससे पहले हमारे कितने प्रतिभाशाली साथियों को इन लोगों ने अपने षड्यंत्रों का शिकार बनाया। हमें सहारनपुर याद है,
हमें उना याद है, हमें रोहित वेमुला याद है, हमें डेल्टा मेघवाल याद है। तो साथियों, लोकतंत्र की पहली निशानी है कि हम हर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपने संविधान के दायरे में, अपने संविधान के हकों के अनुसार खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर खड़े नहीं होंगे तो वो हमें, हमारी मौन जो है वो उनकी स्वीकृति का लक्षण बन जाएगा, उनको अत्याचार करने का और मौका मिलेगा। और इन 13 शहीदों ने और 2 अप्रैल को शामिल हर शख्स ने बाबा साहब की इसी बात को अपने जीवन में लागू करते हुए पूरे समाज नहीं पूरी दुनिया को दिखाया और इतिहास में दर्ज करा दिया कि इस देश का लोकतंत्र हम चलाते हैं। ये उसी 2 अप्रैल का इफेक्ट है कि आज मनुवादी सरकारों की घिग्गी बंधी हुई है और 3 प्रमुख हिंदी राज्यों में वो हार गए। ये घट रहा है ना, अगर 2 अप्रैल को हम नहीं खड़े होते तो ये परिस्थितियां बदलती क्या? तो ये परिस्थितियां बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। बहुत समय बाद बाबा साहब के सपनों का भारत बनने की कवायद हर तरफ से, हर क्षेत्र में शुरू हो गई है। इस लिहाज से जो 13 जनवरी का कार्यक्रम है, ये 2 अप्रैल के पड़ाव की एक हिस्सेदारी को आगे बढ़ाने की कवायद है। जैसा मेरे साथी शशि भूषण ने कहा कि दुनिया में जो कौम अपने शहीदों का सम्मान नहीं करती वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये शहीद ही हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर ऊधम सिंह नहीं होते, अगर भगत सिंह नहीं होते तो हम क्या आज यहाँ खड़े होते? बाबा साहब ने अगर कुर्बानी नहीं दी होती तो हम यहाँ खड़े होते? तो ये जो 13 बच्चे हैं ये उन परिवारों के नहीं हैं, ये इस देश के लोकतंत्र के रक्षक हैं, ये लोकतंत्र के सैनिक हैं जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा में अपनी आहुति कुर्बानी दी है, और हम इसको जाया होने नहीं देंगे, हम इसको ख़त्म होने नहीं देंगे, हम इनको याद करके, इनकी शहादत का सम्मान करके अपने संविधान का इकबाल कायम करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये कार्यक्रम यहीं खत्म नहीं होगा। कोई बात, ये कार्यक्रम तो दरअसल 2 अप्रैल की उस चिंगारी को मशाल बनाने की कवायद है, पर इस मशाल को जागृति की चेतना बनाने की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पे। 13 तारीख के बाद जब वो मूर्तियां अपने गांव में जाएंगी तो सिर्फ गांव में नहीं जाएंगी, उस रास्ते से गुजरने वाले हर पड़ाव पे वो हर सोते इंसान को जगाने की कोशिश करेंगी। और ये प्रक्रिया जिसमें हम आपके बीच में आए हैं ये भी उस जगाने की कवायद का हिस्सा है। आप जागे हुए हैं, बस अपनी धूल झाड़ के खड़ा होने की जरूरत है, इस निजाम को बदलने की जरूरत है। ये जो ब्राह्मणवाद है, पूंजीवाद का गठजोड़ हम देख रहे हैं, इसको चुनौती देने की जरूरत है। ये भरभरा के गिर पड़ेगा, ये कागजी बाघ हैं, इनके पास अपनी ताकत नहीं है। एक बार हिम्मत जुटाइए, खड़े हो जाइए इसके सामने जैसे 2 अप्रैल को खड़े हुए थे, तो इनकी सारी साजिशों को हम नाकाम कर देंगे। एक साथी, बुजुर्ग साथी ने बात छेड़ी थी तो मैं उस पर सिर्फ एक लाइन में टिप्पणी करूंगा, इस पर कभी बात कर सकते हैं कि 2 अप्रैल की धार को कुंद करने के लिए उन्होंने सवर्ण आरक्षण का मुद्दा छेड़ा है।
हमें उस पर नहीं फंसना है। बहन जी ने जो बयान दे दिया वो स्पष्ट है, और ये बहन जी का ही दबाव था उनकी बढ़ती सियासी हुकूमत का, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि अब केंद्र में बहन जी हैं, उनके बगैर राजनीति चलेगी नहीं केंद्र की। अब तो उनकी बातों को पहले से हड़प लेने का ये साजिशें करेंगे। हमें सचेत रहना है, जागृत रहना है, और हमें अपनी सामाजिक क्रांति की इस मशाल को आगे बढ़ाना है। ये अगर बढ़ गई तो राजनीतिक सत्ता भी हमारी गुलाम हो। इसी के साथ मैं आप सबसे फिर आह्वान करता हूँ कि 13 तारीख को आप जिस तरह से पहुँच सकें पहुँचिए, और जिन जिन को साथ लेके पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। ये अकेले हम सब की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है, और ये किसी एक संगठन का भी काम नहीं है। वो तकनीकी रूप से जो शशि भाई बोले वो हमने नाम दे दिया है, ये आपका कार्यक्रम है, आप इसको अपने नाम से प्रचारित कीजिए, समाज के किसी भी संगठन के नाम से प्रचारित कीजिए, पर काम समाज का होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।